बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो दोस्तों? दोस्तों आज मैं आपके साथ बीफ कौरमा की रेसिपी शेयर करूंगा। ये बहुत ही जल्दी बन जाता है और बनाना इसे बहुत ही आसान है। गैस को ऑन कर लेंगे, गैस को मीडियम आंच पे रखेंगे और एक छोटी कटोरी ऑयल कढ़ाई में शामिल कर लेंगे। ऑयल को हल्का गर्म कर लेंगे। हमारा हल्का गर्म हो चुका है। अब इसमें दो मीडियम साइज़ के प्याज, जिसे मैंने ये शक्ल में काट लिया है, शामिल कर लेंगे और प्याज को फुल ब्राउन कर लेंगे। प्याज हमारे फुल ब्राउन हो चुके हैं, आप देख सकते हैं। गैस को बंद कर लेंगे और प्याज और ऑयल को ये जाली से अलग कर लेंगे। अब ये वाला ऑयल दोबारा कढ़ाई में शामिल कर लेंगे। ऑयल हमारा हल्का गर्म हो चुका है। अब इसमें आधा किलो मैंने बीफ का गोश्त लिया है, जिसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है, कढ़ाई में शामिल कर देंगे और गोश्त को 5 मिनट तक पका लेंगे। एक चम्मच नमक शामिल कर देंगे। पाँच मिनट तक मैंने गोश्त को भून लिया है। अब इसमें एक चम्मच लहसुन का पाउडर शामिल कर देंगे, एक चम्मच अदरक का पाउडर, मिक्स कर लेंगे। आधा चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, 3 अदद हरी मिर्च, 2 टमाटर जिसके मैंने छिलके उतार लिए हैं, 2 मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और मीडियम आंच पर 5 मिनट तक भून लेंगे। यहाँ मैंने 1 लीटर पानी यूज़ किया है। पानी को उबाला आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें लो आंच पर 1 घंटे के लिए कवर कर देंगे। तो दोस्तों 1 घंटा हो चुका है। अब इसमें भुना हुआ प्याज शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। और 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम लगा देंगे। 10 मिनट हो चुके हैं, अब इसे अच्छी तरह भून लेंगे। पाँच छः मिनट तक मैंने गोश्त को भून लिया है। पानी हमारा बिल्कुल खुशक हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब इसमें 1 चम्मच कौरमा मसाला शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया शामिल कर देंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह।
तो दोस्तों कोरमा हमारा तैयार हो चुका है, गैस को बंद कर देंगे और प्लेट में शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमारा कोरमा बनके तैयार हो चुका है, ये बहुत ही मज़े का बना है। तो अगर ये वीडियो हमारी आपको पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।